हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल आज देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये उलिन ब्लाउज कार्डिगन या उलिन सूट आप लोग बनाना चाहते हैं कुर्ती में भी ये लेस बना सकते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स इस वीडियो की काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी इस डिज़ाइन की तो मैं आप लोग को बता नहीं पाई उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स तो लेकिन आज मैं आप लोग के लिए ये डिज़ाइन लेके आई हूँ बहुत लोगों का कॉमेंट आया कि ये डिज़ाइन आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आई जो मैंने इसके पहले डाला था तो चलिए आज आप लोग अच्छे से इसको समझिए और बनाइए इस डिजाइन से फ्रेंड्स आप लोग बेबी कैप भी बना सकते हैं सॉक्स भी बना सकते हैं बहुत ही प्यारी डिजाइन है ये और बहुत जल्दी ये डिजाइन बनती है देखिए बैक साइड से इसका कुछ लुक ऐसे है फ्रंट साइड से देखिए इसका लुक ऐसे है तो ये देखिए बहुत ही जिगजैग बॉर्डर है देखिए जैसे लग रहा है इसको हमने क्रोशिया से बनाया लेकिन इसको मैंने सलाई से ही बनाया है तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे डार्क कलर का लिया हुआ है वर्धमान का बेबी ऊल है ये और इसके लिए इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने टेन के मल्टीपल फंदे रखने हैं यानी दस के हिसाब से आपने फंदे रखने हैं एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है अगर आप अस्सी फंदे रख रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे तो आपने वहां पे एक फंदा एक्स्ट्रा करना है यानी इक्यासी फंदे रखने हैं फंदे रख रहे हैं तो एक फंदा एक्स्ट्रा करना है ऐसे ही करके आपने एक फंदा एक्स्ट्रा करके और टेन के मल्टीपल ये फंदे रखे तो यहाँ पे हमने टेन नंबर की नीडल यूज की है और चलिए अब आप लोग को स्टार्टिंग से बताते हैं पहले फंदा लेंगे मैं यहाँ पे आप लोग को फिफ्टी वन फंदे में डाल के बताऊंगी तो देखिए हमने आपको आप लोगों को बहुत बार फंदे डालना भी बताया है लेकिन फिर से मैं स्टार्टिंग से आप लोग को फंदे डाल के दिखा रही हूँ कि आपने फंदे कैसे डालने हैं देखिए फ्रेंड्स फंदे डालने के लिए हमने ऊन ले लिया है तो एक साइड मैंने इसको डबल किया है और एक साइड सिंगल रहेगा इतना तो आप लोग को पता ही है तो अब क्या करना है जो हमारा डबल धागा होता है फ्रेंड्स वो हमारे राइट हैंड में होता है और सिंगल वाला देखिए लेफ्ट में यानी डबल वाला जो है वो हमारे दाहिने यानी सीधे हाथ में रहेगा और ये सिंगल वाला बाएं हाथ में तो देखिए इसको हम ऐसे सिलाई पे रैप करेंगे एक बार और उसके बाद इसको हम ऐसे ले जाएंगे ताकि हमें यहाँ पे नॉट ना लगाना पड़े और ये थोड़ा सा आप इसको बड़ा करके पहले फंदे को आप ये डबल ही करके डाल सकते इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये फंदा हमारा खुलना नहीं चाहिए ये देखिए स्टार्टिंग में आप लोग को लगेगा कि ये डबल फंदे है लेकिन आप लोग इसको सिंगल ही बनाइएगा तो यहाँ पे हो गया उसके बाद फिर से देखिए हमने क्या करना है ये देखिए दो फंदे हो गए हमारे यहाँ पे तीन फंदे को आपने लूज डालना है या तो आप डबल सलाई भी करके फंदे को डाल सकते हैं इसको मतलब डबल पे लेके फंदे डाल सकते हैं अगर बहुत लोग फंदे लूज नहीं बना सकते तो वो डबल नीडल लेके फंदे डाल सकते हैं तो यहाँ पे देखिए तीन फंदे हो गए चार पांच फंदे जितने ही लूज होंगे उतनी अच्छी है डिजाइन बन के आती है बॉर्डर की तो ऐसे ही देखिए बहुत इजी है फंदा डालना मैंने आप लोग को कई बार बताया है कि फंदे हम कैसे डालते हैं तो देखिए ऐसे ही फंदे आपने डालने हैं फिफ्टी वन फंदे डालने फिफ्टी फंदे का मेरा प्रोजेक्ट है एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा रखा है तो इसलिए 51 हो गया आप 10 के हिसाब से फंदे रखेंगे एक फंदा आपने हमेशा ज्यादा रखना है नीडल हमने यहाँ पे टेन नंबर की यूज की है आप मोटी नीडल भी यूज कर सकते हैं जैसे ये होता है बहुत लोग नीटिंग करते हैं टाइट करते हैं तो वो मोटी नीडल भी यूज कर सकते हैं ये देखिए ऐसे हमने चलिए फिफ्टी वन फंदे डाल लेते हैं देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टोटल 51 फंदे डाल लिए तो आप काउंट कर लीजिएगा अच्छे से फंदा एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए अदरवाइज आपके डिज़ाइन ये नहीं बनेगा तो आप लोग काउंट कर ले फंदे डालने के बाद चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग से ही ये हमारी फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन बनना शुरू होगा यहाँ पर हमने नोट लगा दिया ताकि बाद में खुलने की कोई प्रॉब्लम ना हो अब देखिए पहले फंदे को हमने एज स्टेज उतारना है केयरफुली आप लोग देखिएगा स्टार्टिंग से ही ये डिजाइन बनना शुरू होगा तो पहले फंदे को हमने उतारा और यहाँ पे देखिए फिर हम नौ फंदे को हम सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ पहला फंदा हमने यहाँ पे स्लिप किया यानी पहले फंदे को हमने यहाँ पे उतार लिया था उसके बाद हमने नौ फंदे को सीधा सीधा बनाया उसके बाद क्या करना है एक फंदे को हम फिर से स्लिप करेंगे फिर हम नौ फंदे को सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच सात, आठ एंड लास्ट वन नौ देखिए यानी हमने यहाँ पे नाइन फंदे को देखिए निट करना है एंड वन स्लिप करना है यानी पूरी रो हमारी ये ऐसे ही बनेगी पहले फंदे को हमने स्लिप किया एज अ स्टिच उसके बाद नौ फंदे को हमने क्या किया बुना है सीधा सीधा फिर हमने एक फंदा स्लिप किया उतारा फिर नौ फंदे को हमने बुना ऐसे ही ये पूरी रो हमारी बनेगी तो देखिए फिर से हमने एक फंदे को स्लिप कर लिया और फिर हम यहाँ पे नौ फंदे सीधा सीधा बनाएंगे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फिर एक फंदा स्लिप किया हमने फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ फिर एक फंदा हमने यहाँ पे स्लिप किया फिर देखिए ऐसे हम इसको कंप्लीट करते देखिए एक फंदे हमने बुनने के बाद सॉरी नौ फंदे बनाने के बाद लास्ट का एक फंदा हमने ऐसे इसको स्लिप कर लेना है अब देखिए ये हमारी फर्स्ट रो डिजाइन की कंप्लीट हुई आगे की साइड से अब हम बैक साइड आ गए हैं अब देखिए क्या करना है जो फंदे हमने स्लिप किया है उसको स्लिप करना है सेम एज जैसे ही बनाना है फंदे को उस साइड ले जाएंगे नौ फंदे को फिर हम सीधा सीधा बनाएंगे दोनों साइड से हमने ये सीधा सीधा बुनना है तो जैसे अभी हमने पहला रो बनाया है सेम वैसे ही ये हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट होगा डिजाइन का जो फंदे हमने उतारे हैं उनको उतारना है और जो बुना है उसको बुनना है तो यहाँ पे एक फंदा स्लिप किया एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ फिर हम उनको इस साइड लाके इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे फिर उनको पीछे की साइड ले जाएंगे नौ फंदे को हमने सीधा सीधा बना लेना है जैसे हमने आगे की साइड बुना है वैसे ही सेम हम ये पीछे की साइड से भी बुन रहे हैं तो चलिए ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं देखिए फ्रेंड्स हमने दो रो बनाकर ये कंप्लीट कर ली सेम जैसे हमने आगे की साइड से बनाया था वैसे पीछे की साइड से भी बना लिया इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखिए थर्ड रो सीधे की साइड से हम डिजाइन के आ गए ये चार सलाइयों की डिजाइन है अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है जो फंदे हमने उतारे थे यहाँ पे उतारना है वैसे ही और नौ फंदे पे हमने दो दो बार फंदे को लपेट के बनाना देखे एक दो नौ फंदों पे ये ध्यान से देखिएगा आप लोग यानी दो, दो दो बार हमने सलाई के ऊपर रैप करके बनाना है एक दो फिर यहाँ पे देखिए एक दो ये नौ फंदों पे हमने ये लपेट के बनाते हुए बनाना है और जो फंदे हमने उतारे हैं उनको उतारना है ढीला ढीला आपने रैप करना है यानी लपेटना है जितना लूज आप लपेटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डिजाइन बन के आएगी जितना ही लूज इसको आप बुनेंगे अब देखिए यहाँ पे हम एक फंदे को ऐसे उतार लिए फिर एक दो, दो बार लपेटा फंदे पे फिर एक दो फिर देखिए एक दो ये देखिए एक दो यानी ऐसे ही हमने नौ फंदे पे दो दो बार लपेट के बनाना है और जो हमने फंदे उतारे हैं उनको उतार लेना है जब यहाँ पे इसको हम उतार लेंगे उतारने वाला फंदा ऐसे ही पता चलता है तो चलिए ऐसे ही पूरी रो हम बना लेते हैं देखिए फ्रेंड्स हम बैक साइड आ गए ये हमारी डिजाइन की चौथी रो है यानी चौथी सिलाई आ गए हैं हम पीछे की साइड से अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा केयर कीजिएगा क्योंकि अगर यहीं से फंदे मिस होते हैं तो डिजाइन हमारी पूरी बिगड़ जाती है तो चलिए अब हम क्या करते हैं पहले फंदे को हम यहाँ पे जो स्लिप किए हैं लास्ट के उसको भी इस साइड से अब हम बुनेंगे पहले फंदे को हमने बुन लिया अब देखिए पहले फंदे को बुनने के बाद अब हम यहाँ पे चार फंदे डालेंगे एक दो तीन चार चार फंदे डाला फिर हम यहाँ पे नौ फंदे को खोलेंगे देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ जो हमने नौ फंदे बनाए हुए थे उनको हमने यहाँ पे देखिए खोल लिया है नौ फंदे देखिए हमने यहाँ पे खोल लिया अब क्या करना है हमने यहाँ पे देखिए नौ फंदों, देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे दो बना लिए हैं अब आप लोग को दिखा रहे हैं थोड़ा सा वो स्किप हो गया उसके लिए सॉरी अब यहाँ पे देखिए हम स्टार्टिंग से, से ही बता रहे हैं जैसे आप लोग को बनाना है नौ फंदे को हम यहाँ पे देखिए खोलेंगे जो हमने दो दो फंदे का रैप किया था उसको हमने खोलना है ये देखिए यहाँ पे आपने नौ फंदे को खोल लिया अब इसमें देखिए हम ये सलाई को ऐसे ले जाएंगे और आपने ध्यान से देख लेना ऐसे करके कि कहीं हमारा फंदा फंसा तो नहीं है अब एक फंदा यहाँ पे छूट अब देखिए इसको हम उल्टा ऐसे बुन देंगे ये देखिए हमने इसको बना लिया अब तो फिर यहाँ पे हम चार फंदे लेंगे यानी आपने ध्यान देना है जब हम इसको बनाएंगे फिर चार फंदे लेंगे और एक फंदे वाला बनाएंगे फिर उसके साइड साइड में चार फंदे तीन चार फिर तो उनको पीछे की साइड एक फंदे इसको हम बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम चार फंदे डालेंगे एक दो तीन चार चार फंदे डालने के बाद देखिए इसको अपनी साइड नौ फंदे को खोलेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ फंदे को हमने यहाँ पे खोल लिया देखिए इसको खोला फिर इनको नौ फंदे को हम एक साथ बुनेंगे ये देखिए पीछे की साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे देखिए इसको हमने ऐसे बना लिया फिर अब यहाँ पे हम चार फंदे लेंगे एक दो तीन चार चार फंदे लिया एक फंदा जो हमने स्लिप किया इसको इसको नॉर्मल हमने बनाना है बुन लिया फिर यहाँ पे हम चार फंदे डालेंगे एक दो तीन चार चार फंदे डाले फिर यहाँ पे हम देखिए नौ फंदे को खोलेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और लास्ट एक नौ नौ फंदे हमारे खोल लिए फिर सलाई को ऐसे हम देखिए आगे की साइड इसमें ले गए सभी फंदों में एक भी फंदा आपका छूटना नहीं चाहिए जो हमारे नौ फंदे हैं ये देखिए सलाई को ले जाने के बाद अब हम इसको एक साथ बना देंगे देखिए इसको बुन लिया फिर यहाँ पे हम चार फंदे डालेंगे सॉरी देखिए एक दो तीन चार चार फंदे डालने के बाद उन अपनी साइड लाएंगे एक फंदा ये लास्ट का हम बना देंगे अब देखिए आपने सभी फंदे को काउंट कर लेना है कि आपने जितना अपने प्रोजेक्ट पे डाला है फंदे हमारे उतने ही है अगर उससे कम हुआ है तो आपकी ये डिजाइन सही नहीं बनी है तो चलिए अब यहाँ पे हम फंदे को काउंट कर लेते हैं हमने यहाँ पे फिफ्टी वन फंदे डाले थे तो चलिए देखते हैं हमारे फंदे सेम वैसे ही हैं या कहीं कम ज्यादा हुआ है चलिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताइस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस चौवालीस पैतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास और एक लास्ट इक्यावन तो यहाँ पे टोटल हमारे फिफ्टी वन फंदे हो गए आपके सामने ही हमने यहाँ पे काउंट कर दिया ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो देखिए कितना सुंदर ये डिजाइन अब देखिए आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है आप सॉरी स्वेटर बना रहे हैं आप ब्लाउज बना रहे हैं तो आपने दो सलाई के इसके ऊपर नीटिंग करके फिर ये डिजाइन के ऊपर आपने इसको बनाना है अगर आप स्वेटर बना रहे हैं तो आप फंदे को ऊपर जाके बढ़ा भी सकते हैं लास्ट वाली सलाई में तो आप फंदे को बढ़ा के अब यहाँ पे एक लाइन हम उल्टा उल्टा बनाएंगे फिर सेकेंड लाइन उसके बाद आप डिजाइन देखिए हमने यहाँ पे दो रो एक रो हमने यहाँ पे आगे से बनाया है और एक पीछे से उल्टा उल्टा दोनों साइड तो ये हमारी डिज़ाइन कुछ ऐसे बन के आई है तो वीडियो को आप लोग फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की डिज़ाइन आप लोग को कैसी लगी थैंक्स फॉर वॉचिंग